है भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज, कीजिए मतदान, मेरा वोट मेरी ताकत। जनपद जालौन के ग्राम कैथवा में श्री राम सेवा समिति एवं क्षेत्रवासियों के सहयोग द्वारा महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस यज्ञ में आने जाने वाले क्षेत्रवासियों को खाने पीने की व्यवस्था एवं मेला में दुकानें लगाए हुए दुकानदारों को चाय नाश्ते और खाने की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि कोई भी दुकानदार परेशान नहीं हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि जब से यज्ञ का शुभारंभ हुआ है तब से किसी भी दुकानदार को यहां खाना बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर 24 घंटे भंडारा चलता रहता है। यहां पर सभी लोग सुबह शाम प्रसाद ग्रहण करते हैं। वही यज्ञ के आयोजक ने बताया कि यह यज्ञ अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस गांव में एवं क्षेत्र में यज्ञ का आयोजन कई वर्षों बाद हो रहा है। वही दिन में भागवत का आयोजन किया जाता है तथा रात में रामलीला का मंचन होता है, जिसमें लोग भाव विभोर होकर यज्ञ का आनंद ले रहे। महाराज जी, यज्ञ का शुभारंभ हुआ है यहाँ पर, कितने दिनों से हुआ है और कितने दिनों तक चलेगा? 13 तारीख से हुआ है जी, और कलश का भंडारा है जी, पूर्णा होती है जी, और सभी क्षेत्रवासी ग्रामवासियों के सहयोग से ये कार्य सुचारू रूप से अभी तक चल रहा है। कल भंडारा है, सभी के धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति के लिए कार्य यज्ञ को आरंभ किया गया। तो सुना है यहाँ पर कि यहाँ जब से यज्ञ शुरू हुआ है यहाँ पर भंडारा प्रतिदिन चल रहा है, तो इसमें किन किन लोगों का सहयोग रहा है अभी तक? सभी ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासियों का सहयोग है। इस महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, इसमें किन किन लोगों का सहयोग मिल रहा है और ये यज्ञ कब से चल रहा है? 13 फरवरी से सभी ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों के सहयोग से और हमारे गांव के प्रबुद्ध लोगों के संरक्षण में और श्री राम सेवा समिति कार्यकर्ताओं की कार्यशैली में ये चल रहा है और इसका आनंद सभी क्षेत्रवासी ग्रामवासी ले रहे हैं। जनपद जालौन की लोकल खबरें देखने के लिए जालौन लाइव टीवी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं।